ब्रेक टेस्ट ऑन डीसी सीरीज मोटर। डीसी मोटर कैन बी टेस्टेड बाय थ्री मेथड्स। नंबर वन डायरेक्ट मेथड, नंबर टू इनडायरेक्ट मेथड, नंबर थ्री रिजनरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक टेस्ट इफ इट इज कैरिड आउट फॉर अ डीसी मोटर। डायरेक्ट मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल डीसी मशीन। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर रजिस्टर इज यूज टू डिसिपेट द पावर। डीसी मशीन इज सब्जेक्टेड टू रेटेड लोड एंड एफिशियंसी इज डिटरमाइंड। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर एफिशियंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हेयर वी कैन सी दीज आर दी हैंड व्हील्स फॉर एडजस्टमेंट एंड दिस इज द अरेंजमेंट फॉर ब्रेक टेस्ट ऑफ डीसी सीरीज मोटर। हेयर आर टू स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस वन, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस टू। एंड इफ द मोटर इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज देन दिस इज टू बी कंसिडर एज एफ वन एंड दिस इज एफ टू। एंड वेन द रोटर इज रोटेटिंग टू द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन इट इज कंसिडर्ड एज एफ वन एंड इट इज कंसिडर्ड एज एफ टू। हेयर वी कैन सी दिस इज अ बेल्ट और रोप, इट इज कनेक्टेड टू द पुले एंड दिस इज अ मोटर शाफ्ट, दिस इज अ रेडियस ऑफ दिस पुले। द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ पुले इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बेल्ट। हियर द पावर लॉस इज ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। टेंशन ऑन बेल्ट इज एडजस्टेड बाय एडिंग वेट एफ वन। वी कैन एड वेट हेयर और रोटेट दिस व्हील फॉर इंक्रीजिंग द टेंशन ऑन बेल्ट। दिस वेट्स आर इन किलोग्राम्स। द इफेक्टिव फोर्स बिटवीन दिस टू फोर्सेस विल बी एफ वन माइनस एफ टू इन किलोग्राम। सिंस द एफ वन अपोजेस मोशन एंड एफ टू हेल्प्स मोशन बिकॉज दिस पुले इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोटर आउटपुट पावर इज इक्वल टू टॉर्क इन टू एंगुलर स्पीड। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टी एंड एंगुलर स्पीड इज डिनोटेड बाय ओमेगा। वी नो द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज फोर्स इन टू रेडियस। Here we can see this is a formula for torque. Torque is equal to F1 minus F2. This is a effective force. Here we can see effective force is F1 minus F2 into radius r into 9.81. This 9.81 is acceleration due to gravity. We have multiplied with this 9.81 to convert kilogram into Newton. We know the effective force is in kilogram. So we need to convert it into Newton meter. So we have multiplied it with 9.81. We know omega is equal to 2 pi n upon 60, where this n is revolution per minute. Here we can replace this omega by this 2 pi n upon 60, or we can keep as it is. So motor output power is equal to F1 minus F2 into R, where R is radius of the pulley. This is a radius into 9.81, which is acceleration due to gravity into omega. Omega is the angular speed. Now we know the output power of motor. Let Vm is equal to voltage and Im is the current. This is for finding input power of motor. We will measure this voltage by voltmeter and this current by ammeter. So motor input power is equal to
वी नो द फॉर्मूला फॉर पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, मीन्स वोल्टेज इंटू करंट. सो हेयर इज वी एम इंटू आई एम, हेयर इज वेयर वी एम इज मोटर वोल्टेज एंड आई एम इज मोटर करंट. नाउ एफिशियंसी ऑफ मोटर इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ईटा एम इज इक्वल टू, ईटा इज फॉर डिनोटिंग इफिशियंसी, एम इज फॉर मोटर. वी नो आउटपुट पावर इज एफ वन माइनस एफ टू इंटू आर इंटू 9.81 इंटू ओमेगा. सो एफ वन माइनस एफ टू इंटू आर इंटू 9.81 इंटू ओमेगा अपॉन इनपुट पावर इज वी एम इंटू आई एम, वी एम इंटू आई एम. इफ यू वॉन्ट दिस इफिशियंसी इन परसेंटेज देन वी विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. वेयर एफ वन एंड एफ टू आर वेट्स इन किलोग्राम, दिस एफ वन एंड एफ टू आर वेट्स इन किलोग्राम, यू नो. एंड वी कैन रिप्लेस दिस ओमेगा बाय, वी कैन रिप्लेस दिस ओमेगा बाय 2 पाई एन अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज अबाउट द ब्रेक टेस्ट ऑन डीसी सीरीज मोटर.